आज हम कर रहे हैं आईसीएच का फिफ्थ चैप्टर जिसका नाम है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया आधुनिक काल को हिंदी में बोलते हैं। इसमें सबसे पहले एंशियंट के बारे में मैं बता दूं। एंशियंट होता है पुराना समय। पुराने समय को प्राचीन काल के नाम से जाना जाता है। जिस टाइम से मनुष्य जाति या इंसान यहाँ पाए गए हैं, उनका रहना यहाँ पर पाया गया है। जैसे आप कह सकते हैं कि आदिवासी इस टाइम पर रहे होंगे। और सेकंड है हमारा मेडिवल मध्यकाल। मध्यकाल होता है बीच का समय। ठीक है, बीच का समय किस टाइम से किस टाइम तक का रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच का जो टाइम था वो ये मध्यकाल में बताया गया है। और जो मॉडर्न है मॉडर्न इंडिया में साइंटिफिक रिसर्च इन्वेंशन और व्यापार में नई नई तकनीकें आई थी, उन सब चीजों को मॉडर्न इंडिया का नाम दिया गया। अब आते हैं हम 19वीं सेंचुरी पे। 19वीं सेंचुरी के दौरान कुछ एक चीजें कि रिनेसांस और रिफॉर्मेशन मूवमेंट आया था, पुनः जागरण और समाज सुधार, प्रचार प्रसार व्यवस्था, ये सारी चीजें चली थी इसी के दौरान। अब हमारा टिपु सुल्तान का भी हमारा एक मेजर रोल रहा है इसमें। ब्रिटिश और फ्रांसीसी और अंग्रेज जो थे उस टाइम पर, छोटे छोटे जो शासक राजा महाराजा हुआ करते थे, उन लोगों को आपस में लड़वा करके फायदा उठाया करते थे और उनको व्यापार और धन संपत्ति लूटते थे वो। ठीक है, और उसी दौरान जो टिप्पू सुल्तान है वो मैसूर के राजा हैं, उन्होंने इसी मतलब टेक्निक को उन पर अप्लाई करने की कोशिश की थी। जैसा वो कर रहे थे वैसा ही उनके साथ भी करने की कोशिश की, बट वो सफल नहीं हो सके क्योंकि जो अंग्रेज और ब्रिटिश की जो नीति थी, कूटनीतियां और जो उनकी जितने भी काम करने की चीजें थी, जैसे तोपखाने, वो बहुत ज्यादा एडवांस थे। साइंटिफिक सारी चीजें वो जानते थे। और उस दौरान थ्री फेजेस भी आए इन्हीं के थ्रू। थ्री फेजेस में था क्या, फर्स्ट फेज में आपका व्यापार पर नियंत्रण पा लिया था, मतलब कंट्रोल में कर लिया था, उसमें उस टाइम पर फ्रीडम थी नहीं और सब कुछ अपने अधीन कर चुके थे वो। और जो हमारे भारत का कच्चा माल है वो अपने कंट्री में ले गए और वहां पर रॉ मटेरियल से एक गुड प्रोडक्ट बना करके उन्होंने अनदर कंट्री में और इंडिया में सोल्ड किया, मतलब बेचा उन्होंने। ठीक है, अपना बिजनेस स्टैंड किया। और जो सेकंड फेज में जो सेठ और साहूकार थे उनके द्वारा उन्होंने लाभ उठाया। जो बीच में मीडिएटर का काम करते थे साहूकार और सेठ, साहूकार और सेठ जो भी मुनाफा था, अमाउंट था, दाम थे, वो अपने पास रख लिया करते थे बजाय किसानों को दिए बिना। किसानों को कुछ नहीं मिलता था, सिर्फ उन्हें मेहनत ही किया करते थे। और बाद में सेकंड फेज में जो है उन्होंने अपने बिजनेस को ब्रॉड किया। थर्ड फेज में आपका है, ब्रॉड होते हैं बड़ा करना, और थर्ड फेज में उन्होंने पूरा नियंत्रण अपने बिजनेस को स्टैंड करने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए उन्होंने भारत पर पूरा मतलब हक जमा लिया था। ठीक है, और अब हम बात करते हैं आगे इन्हीं की। डलहौजी जो है इन्होंने बहुत बड़ा रोल इस दौरान निभाया है। ये भी अंग्रेज ही थे बट इन्होंने क्या क्या चीजें किया इंडिया के लिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो रेल थी आपकी 1853 में चली थी बॉम्बे से लेकर के थाने तक। ठीक है, और सेकंड जो उन्होंने ये चीज की है टेलीग्राफ लाइन जो था वो कलकत्ता से टू आगरा, कलकत्ता से आगरा तक का था। और एक और सर्विसेज दी थी पोस्टल सर्विसेज जो होता है डाक सेवा इसी दौरान पहले बार हुई थी और वो डलहौजी के थ्रू की गई थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सोशल कंडीशन में क्या चीज होती है। सोशल कंडीशन समाज की स्थितियों को बताया गया है। उस टाइम पे लोगों की जितनी भी थिंकिंग, उनका
ना सोच ना कर ना हर एक चीज इसमें बताया गया है। उस टाइम का ये सारी चीजें क्या रही होंगी आगे हम पढ़ते हैं। इस टाइम पे कन्या भ्रूण हत्या भी हुई है, पहले से ही जन्म के समय ही बच्ची को मार देना और बाल विवाह जैसी चीजें थी। बाल विवाह छोटे टाइम पर ही बच्चों की शादी कर देना, ठीक है, ये सारी चीजें सोशल कंडीशंस के अंदर ही आई हैं। अब इसको सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, सामाजिक और धार्मिक सुधारक भी आए थे। वो कौन कौन से आए थे उनके नाम मैं बता देती हूँ आपको। राजा राम मनोहर रॉय, इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और समाज में एकत्ववाद एकता का मतलब प्रचार प्रसार किया था, लोगों में भावना उत्पन्न की थी, ठीक है। और अब आता है बहुदेवतावाद ये होता है, बहुदेवतावाद में विश्वास ना रखना, भगवान एक ही है, उसमें उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। अब हम आते हैं स्वामी विवेकानंद पर। स्वामी विवेकानंद ने वेदों के ज्ञाता थे, वेदों की स्टडी की हुई थी उन्होंने, इन्हें अंग्रेजी में वेदों का मतलब ज्ञान था। इन्होंने जो स्कूल जो ओपन किए थे, वेदों के स्कूल और कॉलेज ओपन किए, ठीक है, और इन्होंने भी बाल विवाह को पर रोक लगाई, उनके अगेंस्ट खड़े हुए, सती प्रथा पर रोक लगाई है, उसके लिए भी आवाज उठाई थी। और पुनः विवाह होता है विधवा महिला या विदुर पुरुष के शादी दोबारा होना, उसके लिए इन्होंने मतलब आग्रह किया था कि उन लोगों का भी दोबारा विवाह होना चाहिए, ठीक है। और समाज आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने ही, वो 1875 में की है। और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। अब इसमें से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मतलब वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था और किस टाइम पे दिया था, ठीक है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था, आई थिंक सो ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। सो बाकी का कंटेंट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा।